जयपुर शहर में शराब दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तीन दिन में फीस जमा नहीं हुई तो ताला लगेगा। दो दर्जन से ज्यादा दुकानों की सप्लाई रोक, दुकानें की जाएंगी यहाँ पर बंद। दरअसल लाखों रुपए स्पेशल बैंक फी बकाया लाइसेंसियों पर है, लेकिन शराब लाइसेंसी जमा नहीं करा रहे, एसवीएफ पेनाल्टी। हालांकि 104 लाइसेंसियों ने इस मामले में कोर्ट से स्टे लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से लाइसेंसियों ने स्टे लिया है और इस बीच कोर्ट में भी चल रही है प्रकरण में सुनवाई। न्यायालय के फैसले से तय होगा विभाग का अंतिम रुख यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी फैसला न्यायालय सुनाएगा। और संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, जयपुर शहर में तो शराब दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, दूसरी तरफ कोर्ट में भी प्रकरण की सुनवाई चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, जरूर समझना चाहेंगे, और क्या होता है, फैसला कब तक होगा? जी श्वेता, बिल्कुल। देखिए, जब से आबकारी विभाग ने पिछली पॉलिसी में स्पेशल वेंट फीस की जो पेनल्टी का प्रावधान किया था, तब से ही ये विवादों में रही है। और उसके बाद बड़ी संख्या में लाइसेंसी ऐसे हैं जयपुर शहर में जो इस पेनल्टी को जमा नहीं करवा रहे हैं, और कई सारे लोगों ने स्टे लिया है कोर्ट से। करीब 104 लाइसेंसी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है। तो बचे हुए जो लाइसेंसी हैं उन पर अब दबाव डाला जाएगा, वो एसवीएफ पेनल्टी को जमा कराएं, और अगर वो जमा नहीं कराएंगे तो उनकी जो दुकान है उसका पहले सप्लाई रोक दी जाएगी, शराब सप्लाई नहीं की जाएगी, और उसके बाद उन पर ताला लगा दिया जाएगा। अगले तीन दिन में इस तरह की कार्रवाई की बड़ी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी न्यायालय का फैसला भी आना बाकी है और उसके बाद ही पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाएगी। करीब दो दर्जन से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, और ये भी सूचना है कि कुछ दुकानों की फिलहाल सप्लाई रोक भी दी गई है। तो अधिकारी अधिकृत रूप से कार्रवाई तब करेंगे जब इस मामले में न्यायालय का एक फाइनल फैसला आ जाएगा कि क्या स्पेशल रेंट फीस को पूरी तरह से माफ किया जा रहा है या वो उस पर रोक लगाई जा रही है। तो थोड़े दिन में ये स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और अगले 3 से 4 दिन में फीस अगर जमा नहीं कराई जाएगी तो ऐसे लाइसेंसी जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है उन पर ताला लगाया जाएगा, उनकी दुकानें बंद की जाएंगी। जी, लेकिन अभी ये तो तय नहीं है काशीराम कि कब तक फैसला आता है, लेकिन क्या उससे पहले ही 3 दिन की जो बात कही जा रही है उस स्तर पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने कोर्ट से इससे नहीं लिया है, यानी जिन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लाइसेंसी अगर फीस जमा नहीं कराएंगे तो उन पर तो उनकी सप्लाई रोकने के बाद उनकी जो दुकानें हैं उनको बंद किया जाएगा, और बाद में निलंबित करने तक की कार्रवाई हो सकती है दुकानें। हालांकि इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल 31 मार्च तक का ही समय है दुकान मालिकों के पास। ऐसे में वो भी बचना चाह रहे हैं फीस जमा कराने से, और ये रास्ता तलाश है किसी तरह से इस फीस से बच सके इस पेनल्टी से। लेकिन निश्चित रूप से अगर आबकारी विभाग इसमें कार्रवाई करता है तो लाइसेंसियों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।